योम शहदा फॉरेस्ट्स को खराज अकीदत पेश करने के लिए जहां पे मुल्क भर में आज मुख्तलिफ जगहों पे फॉरेस्ट मार्टर्स के लिए खराज अकीदत दिन मनाया गया, वहीं फॉरेस्ट डिवीजन कुपवाड़ा में भी इस दिन का एहतमाम किया गया। डीएफ फॉरेस्ट डिवीजन कामराज जाहिद मुगल के अलावा नॉन गेस्टेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर सरबरा नज़ीर अहमद मीर भी मौजूद थे और इन लोगों ने वालिहाना खराज अकीदत यौम शहदाए फॉरेस्टर्स को पेश किया। जिनको आज तक रिमेम्बर हम कुछ उनकी फैमिली याद करती होंगी, बट वो भी हमारी फैमिली का पार्ट थे। हमारी जो हिस्ट्री है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हिस्ट्री है, दैट इज़ सेंचुरीज ओल्ड। जो जेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हिस्ट्री 19th सेंचुरी से स्टार्ट है, हिस्ट्री ब्रिटिशर्स के टाइम की हिस्ट्री है। तब से जो ग्रीन गोल्ड की जो सुरक्षा कर रहे हैं हम, हमारे जो जवान हैं, जो आप ही हैं, ऑनलाइन ऑफ ड्यूटी कितने प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एनिमल अटैक्स हैं, टर्मोइल का पीरियड चला, उसमें भी कितनी हमें कीमती जो जाने हैं वो गवाही हैं, तो उन्हीं को आज ये डे जो है 11 सितंबर जो है रिमेम्बरेंस, जो इसके जो आज जो हमने मेमोरियल्स भी जम्मू में एक बना है और कश्मीर में भी एक बना है, तो ये हर साल इनको याद करने का ये जो प्रथा शुरू हुई है, तो ये हम भी हर एक डिवीज़न में इनको श्रद्धांजलि पेश करेंगे। और यहाँ पे भी हम जो आज तक जो कामराज डिवीज़न में जितने भी जो जाने गई हैं ऑनलाइन ऑफ ड्यूटी, जो अनसंग हीरोज़ हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ग्रीन गोल्ड, उनको याद करेंगे। और फातह खानी भी हज़रत मक्सर सालू सूरतुल फातह मदी खुदा सलाम अलैहि मोहम्मद अलैहि वसल्लम मोहम्मद अलैहि सितंबर को हम महकमा जंगलात में जिन लोगों ने जंगलात का तहफ़ करते हुए अपनी जानें नशावर की है, और हमारी इस यूटी में तकरीबन 114 लोगों ने आज तक जंगलात की जंगलात को रखवाली करते हुए कुर्बानी दी है और वो शहीद हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे एक आईएफएस ऑफिसर जो इसी धरती के थे मोहम्मद अशरफ, वो भी इसी तहफ़ जंगलात में शहीद हुए, और सैफ अली खान जो जिनका बेटा भी आज इस डिपार्टमेंट में है रेंज ऑफिसर, वो भी काफ़ी डेडिकेटेड रेंज ऑफिसर रहे हैं, या सनाउल्लाह शाह हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारा अनंतनाग डिवीज़न में एक नज़ीर अहमद शेख जिसको जलता हुआ दीवदार उसके ऊपर गिर गया, तो बहुत सारे लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में इस जंगलात का तहफ़ करते हुए जान नशावर किया। और 11 सितंबर को हम उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं, और इस अहद के साथ, इस कमिटमेंट के साथ उनका जो मिशन था तहफ़ जंगलात का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनकी वेलफेयर के लिए इस दिवस का जो प्लेटफार्म है इसको इस्तेमाल करते हुए मैं अपने जो हायर अथॉरिटीज़ है, हमारे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर साहब, कमिश्नर साहब, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि फॉरेस्ट के जो शहदा हैं जिन्होंने इस जंगलात को बनाने में, बचाने में अपनी जान नछावर की है, उस उनकी फैमिलीज़ की वेलफेयर के लिए कुछ किया जाए। और जो हमारे मुलाज़मीन इस वक्त बेबयां जंगलों में अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जंगलों का तहफ़ कर रहे हैं, उनके हवाले से जो उनकी डिमांड्स है, रिस्क अलाउंस है, उनको रिस्क कवर फराहम किया जाए। और यहाँ तक आज के जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर साहब हैं उनके काफ़ी मशहूर हैं, उन्होंने हमारी एक दरीना मांग जो फॉरेस्ट मेमोरियल्स का, जैसे आपने डीएफओ साहब ने अभी यहाँ पे जिक्र किया, तो एक उसमें जम्मू में बना है, तो एक और वहाँ पे बनना है, और दो यहाँ कश्मीर में बनने जा रहे हैं। और ये एक हौसला अफजाई की बात है, जो हमारा फ्रंटलाइन फोर्स है उसके लिए एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई की बात है। और हम इस अहद, इस कमिटमेंट के साथ तहफ़ जंगलात का मिशन हम आगे बढ़ाएंगे। आज इन शहीदों को सलाम पेश करते हैं, और इस कमिटमेंट के साथ कि उन शहीदों के परिवारों के साथ हम इंसाफ करेंगे। शुक्रिया। चूँकि आज पूरे हिंदुस्तान में नेशनल फॉरेस्ट मैटर्स डे मनाया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर यूटी के हवाले से हमारे 114 लोगों ने आज तक शहादत दी है तहफ़ जंगलात करते हुए, हमारे नौजवान फॉरेस्ट गार्ड्स, फॉरेस्टर्स, रेंज ऑफिसर्स, हत्ता कि आईएफएस ऑफिसर एक भी शहीद हुआ है, और
जहाँ तक उनका जो मिशन है उस हवाले से आज यहाँ पे हम जमा हुए हैं। पूरी रियासत में इस वक्त ये प्रोग्राम चल रहे हैं। नॉन गेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन उन शहीदों को आज सलाम पेश करती है और इस कमिटमेंट के साथ कि उनका जो मिशन है तहफ़ जंगलात का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही हम सरकार को भी ये बावर कराना चाहते हैं, अपने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि जो शहीद आज तक हुए हैं उनकी फैमिली की वेलफेयर के लिए एक कंक्रीट पॉलिसी बनाई जाए। और जो जिंदा हमारे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन फोर्स, हमारे लोग जो जंगल जो डेंस फॉरेस्ट में अपनी ड्यूटी करते हैं, उनके लिए रिस्क अलाउंस 2.5 एक्स्ट्रा सैलरी, ये दूसरे जो मरात हैं जो बाकी स्टेट्स में भी मिल रहे हैं, हमें भी मिलनी चाहिए। इस हवाले से मैं कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट और वर्दी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट मिस्टर डॉक्टर मोहित गेरा से अपील करना चाहूँगा कि इन मुद्दों को सीरियस ले लीजिए। ये फॉरेस्ट फ्रंटलाइन फोर्स ही है जिन्होंने अपने खून का बलिदान दिया और आज ये सरसब्ज जंगलात यहाँ पे मौजूद हैं। इसलिए मैं एक बार फिर कमिश्नर साहब का ये ध्यान इस शहीद दिवस के मौके पर महकमे जंगलात के जो फ्रंटलाइन फोर्स है उनकी तरफ लाना चाहूँगा कि इन कुर्बानियों का को रायगान हम नहीं होने देंगे। हमारे जो हकूक हैं, हमारे जो मुतालबात हैं, जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको हल किया जाए। इस वक्त हमारे जो 110 लोग शहीद हुए हैं, उन शहीदों के परिवारों के साथ जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार है, उसी तरीके से हमारे जो शहीद हैं उनके फैमिली के साथ उनकी वेलफेयर के लिए सरकार को काम करना होगा। और इस अहद के साथ, इस कमिटमेंट के साथ ये फॉरेस्ट फ्रंटलाइन फोर्स पूरी रियासत का, पूरी यूटी का अहद करते हैं कि तहफ़ जंगलात का मिशन हम आगे भी बढ़ाएंगे। और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ पे सेफ फॉरेस्टर की बात कर फॉरेस्टर्स की बात करती है, वहाँ पे सेफ फॉरेस्टर की बात भी होनी चाहिए। थैंक यू। फ्यूजन डेकोर्स कुपवाड़ा में इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम, जहाँ पर लेमिनेटेड फ्लोरिंग, वॉलपेपर, पीवीसी दस्तियाब है। आपकी इमारतों की खूबसूरती के लिए तशरीफ लाएं फ्यूजन डेकोर्स बुधामा कुपवाड़ा। मोबाइल नंबर 9419006182, 9797973186।